पर जो कि अब सुनील शेट्टी का एक बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दोस्तों, ये हम सब जानते हैं कि बाबा सिद्दीकी के मौत के बाद सलमान खान की सुरक्षा काफ़ी बढ़ा दी गई है और दरअसल बाबा सिद्दीकी की मौत की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है और बिश्नोई गैंग ने एक सोशल मीडिया हैंडल पोस्ट के जो कि लिखते हुए कहा है, जो भी सलमान खान के साथ खड़ा होगा उसे हम अपने अंजाम के बारे में पता रहना चाहिए। और वहीं हाल ही में ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर सुखा उर्फ जो कि सुखबीर बालवीर सिंह की गिरफ्तारी हुई है। सुखा उन आरोपियों में शामिल है जो सलमान खान को मारने की प्लानिंग बना रहे थे। पुलिस के मुताबिक सुखा ने जो कि वीडियो कॉल के जरिए पाकिस्तानी स्थित हथियार डीलर जो कि डोगर से संपर्क किया, जिसमें हथियारों के सौदे की शर्तों पर बातचीत करते हुए AK-47 और अन्य बड़े हथियार दिखाए। सलमान खान और उनके परिवार को मिल रही है जान से मारने की धमकियों के बीच सलीम खान ने दावा किया है कि उनके बेटे ने काले हिरन का शिकार नहीं किया है। और एक टीवी चैनल के जो कि दिए इंटरव्यू में सलीम खान ने कहा है कि आज तक मेरे बेटे ने जो कि कॉकरोच तक नहीं मारा और उसने जो कि काले हिरन की हत्या नहीं की है और ना ही सलमान खान के पास बंदूक थी। हमने किसी जो कि कॉकरोच तक को नहीं मारा। हमारा परिवार हिंसा से विश्वास नहीं करता है। सलमान खान जानवरों से बहुत प्यार करते हैं और वो किसी जानवर की हत्या नहीं कर सकते। दोस्तों, इस तरीके से सलीम खान का रिएक्शन सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।